हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा क्रिएशन। आज मैं आपके लिए एक प्यारा सा बेबी स्वेटर डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन मैंने टू कलर में बनाया है, रेड एंड ब्लैक में। तो चलिए मैं आपको इसको बनाना बताती हूँ। फर्स्ट रो राइट साइड से स्टार्टिंग के दो फंदे हम ब्लैक कलर से लेंगे, एक फंदा रेड कलर से, इसको हम ऐसे ही उठाएंगे। फिर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे हम ब्लैक कलर से लेंगे, रेड वाला फंदा हम ऐसे ही उठाएंगे, अगेन एक फंदा काला, फिर एक लाल, और उसके बाद हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे अगेन ब्लैक कलर से बुनेंगे। ये वाली रो हम ऐसे ही बनाएंगे, 9 फंदे काले, एक लाल, एक काला, एक लाल, अगेन 9 फंदे ब्लैक कलर से। तो फर्स्ट रो मैं ऐसे बुनकर रेडी कर लेती हूँ। देखिए, फर्स्ट रो मैंने रेडी कर ली है। सेकंड रो रॉन्ग साइड से जो फंदे हमने जैसे बुने थे उनको वैसे ही बुनेंगे, सीधे सीधे 9 फंदे काले सीधे बुनेंगे, और जो फंदा हमने उठाया था उसको वैसे ही उठाएंगे। लाल फंदे को हमने बिना बुने उठाया था, तो इसको धागा पीछे करके ऐसे ही सिलाई पे उठाएंगे, फिर धागा आगे, फिर काला फंदा सीधा बुना, फिर धागा अपनी साइड किया और लाल फंदे को अगेन वैसे ही उठाया, फिर अगेन काले फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे और लाल फंदों को हम एज इट इज़ उठा लेंगे। इस तरह से हम सेकेंड रो बनाकर रेडी करेंगे। अब हम थर्ड रो पे आ गए हैं। थर्ड रो में हमने रेड कलर से इसको बुनना है। स्टार्टिंग में हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टार्टिंग के 7 स्टिच हमने रेड कलर से बुने हैं। फिर एक हमने काला स्टिच हमने ऐसे ही उठाना है, उसके बाद अगला फिर से लाल रंग से, फिर एक काला हम ऐसे ही उठाएंगे इस तरीके से। इसके बाद हमने 9 स्टिच रेड कलर से बनाने हैं। नौ स्टिच काले लाल रंग से बनाए, फिर एक काला हमने ऐसे ही उठाना है, फिर बीच में एक लाल आएगा, फिर एक काला हमने ऐसे ही उठाना है, और अगेन हम 9 स्टिच रेड कलर से बनाएंगे। थर्ड रो हम ऐसे ही बनाएंगे। स्टार्टिंग में हमने 7 स्टिच लेने हैं रेड कलर से, एक काला, एक लाल, एक काला, फिर हमने 9 स्टिच, एक काला, एक लाल, एक काला, 9 स्टिच, एक लाल, एक काला, एक लाल, इस तरीके से थर्ड रो बनाकर कंप्लीट करनी है। ये देखिए, थर्ड रो मैंने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 3 ही लाल बचे थे, 9 लाल, एक काला, एक लाल, एक काला, और लास्ट में 3 फंदे। फोर्थ रो हम फिर से सेकंड रो की तरह बनाएंगे। जो स्टिच हमें जैसे दिख रहे हैं, जैसे रेड स्टिच हमने बनाने हैं, तो इनको सीधी वाली साइड से ही बनाएंगे, मतलब सीधा ही बनाएंगे। जैसे 3 लाल, धागा अपनी साइड किया, काले फंदे को हमने ऐसे ही उठाना है और लाल फंदे को हमने सीधा बुनना है। उल्टी साइड से हमारी जितनी भी सिलाइयाँ आएंगी वो हम ऐसे ही बनाएंगे। इस तरह से मैं अपनी फोर्थ रो बुनकर रेडी कर लेती हूँ। अब देखिए, फिफ्थ रो, स्टार्टिंग के 2 फंदे हम
ब्लैक कलर से सीधे बुनेंगे, फिर एक रेड, फिर पांच फंदे हम काले बनाएंगे, पांच फंदे ब्लैक कलर से, रेड वाला फंदा हम ऐसे ही उठाएंगे, फिर 1, 2, 3, तीन फंदे काले रंग से, एक रेड हम ऐसे उठाएंगे, फिर एक काला और एक रेड हम ऐसे उठाएंगे, उसके बाद फिर हम पांच फंदे फिर से ब्लैक कलर से सीधे बुनेंगे। अगेन रेड फंदा हम ऐसे उठाएंगे और काले फंदे हम 1, 2, 3, तीन सीधे बुनेंगे, एक लाल और एक बीच में काला आएगा। इस तरीके से फिर एक फंदा हम रेड कलर से उठाएंगे। फिफ्थ रो हम ऐसे ही बनाएंगे, पांच फंदे ब्लैक, एक रेड, तीन ब्लैक, फिर एक रेड, एक ब्लैक, एक रेड, फिर पांच फंदे फिर से ब्लैक, एक रेड और तीन ब्लैक। ये पूरी लाइन हम ऐसे ही बनाएंगे। सिक्स्थ रो उल्टी साइड से, जैसे हमने बाकी सिलाइयां बुनी इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे। सीधे फंदे जो हमने काले रंग से फंदे बुने हैं सिर्फ उन्हीं को बुनेंगे और लाल वाले फंदों को हम ऐसे ही उठाएंगे। तो मैं सिक्स रो बुनकर रेडी कर लेती हूँ। अब हम सेवंथ रो पे आ गए हैं। सेवंथ रो में देखिए, इसको हम रेड कलर से बनाएंगे। पहला फंदा हम रेड कलर से बुनेंगे सीधा, काला फंदा हम ऐसे उठाएंगे, फिर लाल फंदा सीधा, काला फंदा ऐसे उठाएंगे, इस तरीके से एक रेड, एक ब्लैक। ये वाली रो पूरी इसी तरीके से बनेगी। ब्लैक वाले को हमने ऐसे ही उठाना है और एक फंदा हमने रेड कलर से बनाना है। इस तरीके से हम इस रो को पूरा करेंगे। एट्थ रो को हम बैक साइड से रेड वाले फंदों को बुनेंगे सीधा और ब्लैक वाले को हम फिर से ऐसे ही उठाएंगे। तो अब मैं आपको नाइन्थ रो पे मिलती हूँ। नाइन्थ रो में देखिए, इसको हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। स्टार्टिंग के पांच फंदे हमने ब्लैक कलर से बुनने हैं। सिक्स, 1, 2, 3, 4, 5, सिक्स फंदे हमने ब्लैक कलर से बनाने हैं। रेड फंदे को हमने ऐसे ही उठाना है, फिर एक फंदा ब्लैक कलर से और एक रेड को हमने ऐसे ही उठाना है, फिर हमने तीन फंदे ब्लैक बुनने हैं। तीन फंदे हमने ब्लैक बुने, फिर एक रेड हमने ऐसे ही उठाना है, इसके बाद पांच फंदे हमने ब्लैक बनाने हैं, 4, 5। अब यही वाला पैटर्न हमने रिपीट करना है। पांच फंदे हमने ब्लैक बुने, एक रेड हमने ऐसे ही उठाया, फिर एक ब्लैक बुना और एक रेड हमने ऐसे ही उठा लिया। अब इसके बाद हमने तीन फंदे ब्लैक बनाने हैं, एक रेड हमने ऐसे ही उठाना है जैसे हमने यहाँ पे उठाया। इसके बाद फिर से पांच फंदे ब्लैक बुनने हैं। टेंथ रो हमने रॉन्ग साइड से या उल्टी साइड से वैसे ही बनानी है जैसे हमने बाकी की सिलाइयाँ बुनी। काले वाले फंदे को हम सीधा ही बनाएंगे और लाल वाले फंदों को हम ऐसे ही उठाएंगे। इलेवंथ रो यानी कि 11वीं सिलाई, सीधी साइड से पहला फंदा हम रेड कलर से बनाएंगे,
उसके बाद एक काला फंदा हम ऐसे ही उठाएंगे, उसके बाद हम लाल रंग से 9 फंदे सीधे बुनेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद एक काला फंदा हम ऐसे उठाएंगे, लाल वाला फंदा सीधा बुनेंगे और एक काला फंदा हम ऐसे ही उठाएंगे। सेकंड, इसके बाद फिर से लाल रंग से 9 फंदे सीधे बुनेंगे इस तरीके से। ये वाली रो, 11th रो हमारी इसी तरीके से बनेगी। स्टार्टिंग में हमने एक फंदा लाल बुनना है, काला फंदा ऐसे उठाना है, 11 फंदे फिर हम लाल रंग से बुनेंगे, एक काला एक लाल एक काला, अगेन फिर 11 फंदे रेड कलर से, फिर एक काला एक लाल एक काला। 11वीं सिलाई पूरी इसी तरीके से बनेगी। 12वीं सिलाई में हमने रेड फंदों को सीधा बुनना है और ब्लैक फंदे को हमने ऐसे ही उठाना है। अब देखिए 13th रो ब्लैक कलर से बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। 6 फंदे हमने ब्लैक कलर से बनाए, एक लाल फंदा हमने सीधा उठाया, फिर एक काला फंदा बुना, फिर एक लाल फंदा हमने सीधा उठाया। इसके बाद हम काले फंदे बुनेंगे 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। 9 फंदे हमने काले रंग से सीधे बुन लिए, एक लाल फंदा हमने उठाना है, एक काला फंदा हमने सीधा बनाना है और अगेन एक लाल रंग का फंदा हमने बिना बुने उठाना है। इसके बाद फिर हम काले रंग से 9 फंदे बनाएंगे। ये पूरी रो हमने इसी तरीके से बनानी है, बस स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग के फंदे अगर आगे पीछे हो गए तो पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। स्टार्टिंग में हमने 7 काले लिए, फिर एक लाल एक काला एक लाल, फिर 9 9 का हमने इसका सीक्वेंस रखना है, 9 काले एक लाल एक काला एक लाल फिर 9। इस तरीके से हमारी 13वीं सिलाई बनकर रेडी होगी। 14वीं सिलाई में हमने काले फंदों को सीधा बुनना है और लाल फंदों को हमने ऐसे ही उठाना है। अब देखिए 15th रो, यहाँ पे हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा और सेकंड वाला डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये वाला डिज़ाइन हमारा 15th रो पे कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट वाला डिज़ाइन हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो इस रो को आप ध्यान से देखिए, ये 15th रो है, इसको हम रेड कलर से स्टार्ट करेंगे। देखिए इस रो में हमने एक फंदा रेड कलर से, फिर ब्लैक फंदे को ऐसे ही उठाना है, अगेन एक रेड और एक ब्लैक को हमने ऐसे ही उठाना है। इसके बाद हम 9 फंदे सीधे बनाएंगे रेड कलर से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक ब्लैक फंदा हम ऐसे ही उठाएंगे, फिर एक रेड और अगला ब्लैक हम ऐसे ही उठाएंगे, फिर अगेन 9 फंदे हम रेड कलर से बनाएंगे, 9 फंदे हमने रेड कलर से सीधे बनाए, फिर एक ब्लैक फंदा हमने ऐसे उठाना है, अगेन एक रेड एक ब्लैक, फिर
अगेन 9 फंदे सीधे। 15th रो पूरी ऐसी ही बनेगी, स्टार्टिंग से ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में हमने एक रेड, एक ब्लैक, एक रेड, एक ब्लैक, ठीक है। फिर उसके बाद 9 फंदे हमने रेड कलर से सीधे बनाने हैं, फिर एक ब्लैक, एक रेड एंड एक ब्लैक, फिर 9 फंदे रेड कलर से, फिर अगेन एक ब्लैक, एक रेड, एक ब्लैक। इस तरीके से हमने ये रो बनानी है। इस रो को ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से हमारी जो नेक्स्ट पैटर्न है, जैसे ये वाला पैटर्न हमने यहाँ पे बनाया, अब जो ये वाला पैटर्न है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इस रो को आप ध्यान से देखना और बनाना, ठीक है। 16th रो में फिर हमने जैसे हमने बाकी की उल्टी सिलाइयाँ बुनी है वैसी ही बुननी है। 9 फंदे हमने सीधे बुनने हैं और काले फंदे हमने ऐसे ही उठाने हैं। अब मैं आपको 17th रो बताती हूँ। अब देखिए 17th रो राइट साइड से स्टार्टिंग के 2 स्टिच हमने ब्लैक कलर से बुनने हैं, एक रेड हमने ऐसे ही उठाना है और एक फंदा, 1, 2, 3 तीन फंदे हमने ब्लैक बनाने हैं, फिर एक रेड फंदा हमने ऐसे ही उठाना है, फिर एक ब्लैक और एक रेड। इसके बाद हमने 5 फंदे ब्लैक कलर से बनाने हैं, एक फंदा हमने रेड उठाना है और 3 फंदे हमने ब्लैक कलर से बनाने हैं। इसके बाद फिर एक रेड उठाया, एक ब्लैक बनाया और एक रेड उठाया। इसके बाद फिर हमने 5 फंदे ब्लैक कलर से, 5 फंदे ब्लैक कलर से, फिर एक रेड ऐसे ही उठाना है, फिर 3 फंदे अगेन ब्लैक कलर से, फिर एक रेड उठाना है, एक ब्लैक बनाना है, एक रेड उठाना है। स्टार्टिंग से ध्यान रखना, 2 फंदे ब्लैक कलर से बनाए, एक रेड, 3 ब्लैक, एक रेड, एक ब्लैक, एक रेड, फिर 5 ब्लैक, एक रेड, 3 ब्लैक। फिर यही वाला पैटर्न आगे को चलेगा, 5 काले, एक लाल, 3 काले, फिर एक लाल, एक काला, एक लाल, फिर 5। इस तरीके से हमने अपनी 17th रो बनाकर रेडी करनी है। 18th रो एज इट इज़ बनेगी, जैसे बाकी की सिलाइयाँ बनाई थी। ये देखिए, ये हमारी फ्रंट साइड से 19th रो है। इसमें हमने पहला फंदा रेड कलर से, ब्लैक वाला फंदा उठाया, रेड फंदा फिर से बुना, ब्लैक उठाया, रेड फंदा बुना, एक रेड एक ब्लैक करके हमने ये रो कंप्लीट करनी है। ब्लैक फंदा ऐसे उठाना है और रेड वाला फंदा हमने बुनना है। ये वाली रो हम पूरी ऐसे बना के रेडी करेंगे। अब देखिए 20th रो 20वीं सिलाई उल्टी साइड से, रेड कलर के हमें जितने भी फंदे दिख रहे हैं उनको हमने धागा पीछे करके बुनना है। धागा पीछे किया, ब्लैक फंदा ऐसे उठाया, धागा आगे करके रेड वाला फंदा हमने बुनना है। 20वीं रो हम पूरी इसी तरह बनाकर रेडी करेंगे। अब देखिए 21st रो राइट साइड से, 2 फंदे ब्लैक बनाएंगे, एक रेड फंदा ऐसे ही उठाएंगे, उसके बाद 3 ब्लैक, एक रेड, 5 ब्लैक, 5 ब्लैक। इसके बाद एक रेड फंदा हम ऐसे ही उठाएंगे, फिर एक ब्लैक बुनेंगे और एक रेड हम ऐसे ही उठाएंगे। ये वाला पैटर्न अब हमारा रिपीट होगा। अगेन 3 रेड, 3 ब्लैक, एक रेड, फिर 5 ब्लैक। फिर एक रेड, एक ब्लैक एंड एक रेड। इसके बाद अगेन फिर 3 ब्लैक, एक रेड और 5 ब्लैक। इस तरह से हमारा ये वाला डिजाइन भी बनकर रेडी होता है। इसके बाद हमारा फिर से स्टार्टिंग से ये वाला पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।